मॉडल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एवरीथिंग वी हैव सीन। अब हम लोग को जो आगे स्टेप बढ़ाना है, कोई एक और मॉडल की तरफ बढ़ाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन वो सब कुछ पढ़ने के पहले, बोहर मॉडल स्टार्ट करने के पहले, हमको बहुत कुछ चीजें पता होनी चाहिए एक एटम के बारे में, एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। और उसी के लिए हम लोग जो है, अब हमारा जो डेवलपमेंट जाएगा वो जाएगा डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। और इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हम लोग को समझना है, वो समझना है वेव्स के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ओके, तो बच्चों एक साइंटिस्ट था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो एटम होते हैं या जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो मीडियम में प्रोपोगेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में मूव करते हैं। ओके, अब क्या हमको मालूम है कि एटम इज हैविंग अ ड्यूअल नेचर, मतलब इसके पास में पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। लेकिन सबसे पहले वेव नेचर आया था कि कोई से भी एटम जो है वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल करते हैं, तो दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। और उन्हीं वेव्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मतलब एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है। ओके, वन इज इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये जैसे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा इलेक्ट्रिक वेक्टर हो गया। और जो इसके साथ में एक और मैंने देखा है, एक और जो है वो क्या है हमारा मैग्नेटिक वेक्टर है। तो वहां पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। क्योंकि सपोज करो ये वेव है, तो वेव में इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक वेक्टर आ रहे हैं और इस तरीके से हमारे मैग्नेटिक वेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड की बात करूं, तो इनकी जो स्पीड होती है डेट इज इक्वल टू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, मतलब इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट ओनली। ओके, थर्ड थिंग देखते हैं बच्चों कि दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल का मतलब होता है बच्चों, सपोज करिए कि हमको एक वैक्यूम ग्लास बॉक्स में पैक कर दिया गया है और पास में से अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो आवाज हमको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड वेव जो रहती है दे नीड सम मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रैवल। बट वहीं पर अगर वो ग्लास बॉक्स जो है अगर सनलाइट में रखा है तो सनलाइट ट्रैवल कर जाएगी अंदर तक, बिकॉज सनलाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या, बेसिकली आपकी सनलाइट से जो लाइट आ रही है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली, कंप्राइजेस ऑफ सेवरल रेडिएशन, उसी में आपकी सारी रेडिएशन आ जाती है, एक्सरे, गामा रे, ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, एवरीथिंग कम्स अंडर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन होती है, जो मैंने बोला कॉस्मिक रे, एक्सरे, अल्फा रे, सॉरी गामा रेस, देन वी कैन टेक इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। ओके, तो ये जितनी भी वेव्स होती है ये जब अरेंज होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो हमको देती है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। खैर वो स्पेक्ट्रम हमको पूरा डिटेल में अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, उसके बारे में हमको पढ़ने हैं इस वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या रहता है, ये जो ऊपर की तरफ जो हाइट आपको मिल रही है, इस हाइट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ओके, और ये जो नीचे की तरफ आपको डेप्थ मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा, है ना, एल एम
dA लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली वेव लेंथ, जो सबसे पहले वेव लेंथ हम लोग बात करें तो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ इज कॉल्ड एज वेव लेंथ चिल्ड्रन। और क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है इसीलिए इसको हम लोग बहुत छोटी छोटी सी यूनिट होगी हमारे पास है 1 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर लाइक दैट, छोटी छोटी सी यूनिट में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट आता है जो हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, डेट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बताते हैं न्यू से, एन यू न्यू, न्यू को इस तरीके से हम लोग सिंबलाइज करेंगे। ओके तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, डेट इज न्यू ओनली, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। जैसे कि सपोज करिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट में से कितनी वेव 1 सेकेंड में पास हो जाती है, डेट द नंबर ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। ओके सो नेक्स्ट वन आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, देन कम टू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आपको पता ही है, वेलोसिटी आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। सो इफ यू टॉक अबाउट द वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आपकी वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वो कहलाता है इसकी वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड द डेप्थ ऑफ ट्रफ, क्रस्ट की हाइट कितनी है, ट्रफ की डेप्थ कितनी है, वो हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। एंड वन मोर, इट इज वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ होती है, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज वेव नंबर। तो हम लोग वन बाय वन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं बच्चों। तो वेवलेंथ बेसिकली होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू साइनोसोडियल क्रस्ट और ट्रफ, ओके, इज कॉल्ड वेवलेंथ। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी वेवलेंथ की यूनिट होगी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब इट कैन बी जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10^-9 मीटर, लाइक दैट वी हैव टू टेक, ना, इस तरीके से इसकी यूनिट्स हम लोग लेंगे। इफ यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू से बताते हैं हम लोग, ये होता है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, डेट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हर्ट्ज, है ना, इट इज यूनिट इसकी होती है हर्ट्ज, या होती है सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड। तो या तो आप इसकी यूनिट हर्ट्ज में ले सकते हैं या फिर आप इसकी यूनिट साइकिल पर सेकेंड में ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 1 हर्ट्ज HZ से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी, जिसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, ओके, तो इसमें आ जाएगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डेट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। ओके इफ यू टॉक अबाउट इट्स यूनिट, इट विल बी टेकन एज मीटर पर सेकेंड। ओके देन कम टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम लोग बताते हैं ए से, ओके, और ये कहीं ना कहीं आपको क्या बताएगा, ब्राइटनेस, है ना, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी हम लोग कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। सो इट इज व्हाट बेसिकली, है ना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट एक्सप्रेसेस ब्राइटनेस
एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ है ना, एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। वेव नंबर बच्चों मैं आपको बता दूं, इट इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का इनवर्स है ना, मतलब कि नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितनी वेव होती है। सो ये होता है बेसिकली न्यू बार, इसको हम लोग बताते हैं न्यू बार से, मतलब कि न्यू बार ये होता है 1/λ। तो ये 1/λ होता है क्योंकि लैम्डा की यूनिट मीटर में या सेंटीमीटर में हम लोग लेते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप की, रिलेशन बिटवीन सी लैम्डा वी, अच्छा वी तो ये है ही हम लोगों को, सी लैम्डा न्यू एंड न्यू बार की बात करें, तो इन सब के बीच में जहाँ पे सी वेलोसिटी है, ये वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, और न्यू बार आपका वेव नंबर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग लें न्यू बार इक्वल होता है 1/λ, ओके न्यू होता है हमारा सी अपॉन लैम्डा, ओके न्यू को मैं लिख सकती हूँ सी इंटू 1/λ, तो ये न्यू होता है सी इंटू न्यू बार, क्योंकि 1/λ होता है सी इक्वल टू न्यू बार। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो न्यू बार है वो हो गया 1/λ, न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे मैंने न्यू को क्या लिखा सी इंटू 1/λ, 1/λ होता है न्यू बार। तो अगर आप लोग देखोगे सी लैम्डा न्यू न्यू बार, सी लैम्डा न्यू न्यू बार, हर किसी के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने आपको वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ से मैं वेव नंबर निकाल सकती हूँ बच्चों, ओके वेव नंबर से मैं फ्रिक्वेंसी निकाल सकती हूँ, बिकॉज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट ओवर हियर। तो ये सब चीजें हमारी आसानी से कैलकुलेट हो जाती है। तो हम लोग आज इतना हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, इसके बाद में हम लोगों को जो देखना है वो है इन्हीं सभी जो रिलेशन मैंने लिखवाया है इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा हम लोगों को अच्छे से देखना है।